बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी जमुई में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। बिहार को 6640 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी, पारंपरिक नगाड़ा भी बजाया। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद है। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति धनकर और लोकसभा अध्यक्ष ने भी श्रद्धांजलि दी। मुंबई रैली में पीएम मोदी ने उद्धव ठाकरे को दिया बड़ा चैलेंज, कहा कि राहुल के मुंह से बालासाहेब ठाकरे की तारीफ करवाएं। उद्धव का पलटवार, पहले मोदी खुद करें तारीफ। मुंबई की रैली में पीएम मोदी का महाविकास अघाड़ी पर तीखा हमला, कहा कि अघाड़ी की सोच तुष्टिकरण की गुलाम हो चुकी है। पीएम मोदी ने कहा कि अघाड़ी के नेता राम मंदिर का विरोध करते हैं, भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ते हैं और वीर सावरकर का अपमान करते हैं, ये 370 हटाने का विरोध करते हैं। पीएम ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार करने और विकास में अड़ंगा डालने का भी आरोप लगाया, कहा कि कांग्रेस का मिजाज देश को पीछे ढकेलने वाला। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और अघाड़ी पर जाति के नाम पर लोगों को लड़वाने के भी आरोप लगाए, लोगों को इनसे सावधान रहने की अपील की। पीएम मोदी ने छत्रपति संभाजी नगर में संतों से मुलाकात की, महंत सुभद्रा आत्या महामंडलेश्वर स्वामी शांतिगिरी महाराज और उपाध्याय श्री ऋषि प्रवीण से मुलाकात की। महाराष्ट्र के पनवेल में इस्कॉन मंदिर पहुंचे पीएम मोदी, भगवान कृष्ण के दर्शन किए। इस्कॉन की तरफ से पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ, कृष्ण भक्तों के साथ मंजीरा बजाते हुए दिखे गए। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर तंज, केंद्रीय मंत्री से लेकर सीएम तक महाराष्ट्र में प्रचार करने आ रहे हैं, मतलब ये लोग दोबारा घबरा गए हैं। नासिक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया चुनाव प्रचार, महाविकास अघाड़ी सरकार बनने का दावा किया। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस नारे में कुछ भी गलत नहीं है, जब जब देश जातियों प्रांतों समुदाय में बटा तब तब देश गुलाम हुआ। मायावती का मुख्यमंत्री कौन होगा, यह सवाल पर फडणवीस बोले कि महाराष्ट्र में हम सरकार बनाएंगे, तीनों पार्टियां मिलकर सीएम का चेहरा तय करेंगी। उद्धव ठाकरे को लेकर बोले फडणवीस, महायुति के दरवाजे उद्धव के लिए हमेशा के लिए बंद, महायुति को उनकी जरूरत नहीं है, जनता इस बार उन्हें बहुमत देगी। पीएम मोदी को लेकर बोले संजय राउत, तो पीएम के बयान पर महाराष्ट्र की जनता को भरोसा नहीं है, हम स्वाभिमानी लोग हैं, इनके चुंगल में आने वाले नहीं। झारखंड के स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके प्रदेशवासियों को बधाई दी, बोले प्रार्थना है कि झारखंड प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता अमर कुमार बाउरी बोले झारखंड में बीजेपी की सरकार बनना तय, झारखंड से भ्रष्टाचार को करेंगे खत्म। नरेश मीना की जेल की तस्वीर आई सामने, लॉकअप में जमीन पर सोता नजर आया, एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली की हवा हुई जहरीली, आज भी कई इलाकों में AQI 400 के पार, ग्रैब 3 की पाबंदियां लागू, सभी प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन किए गए। द्वारका, जहांगीरपुरी और मुंडका में AQI 400 के पार, वजीरपुर में 467, विवेक विहार में 470 और नजफगढ़ में 404। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए जगह जगह पानी का छिड़काव, दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में। दिल्ली में यमुना नदी में बड़ा प्रदूषण का स्तर है, नदी के सतह पर जहरीली झाग नजर आई। यूपी के आगरा में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, ताजमहल हुआ गायब, पूरे इलाके में स्मॉग। अयोध्या में भी प्रदूषण बढ़ा, आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी कम हुई। गाजियाबाद में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, पूरे शहर में धुंध की मोटी परत, लोगों को सांस लेने में दिक्कत। मुंबई में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, के इलाकों में स्मॉग की मोटी परत देखी गई, सांस लेने में परेशानी। पंजाब के लुधियाना में बड़ा प्रदूषण, आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी कम। हरियाणा के अंबाला में भी बड़ा प्रदूषण, पूरे इलाके में स्मॉग। दिल्ली में वाई द हेक नॉट नाम के पुस्तक का विमोचन हुआ, केपी सिंह के डेलेफ को शुरुआत करने से लेकर कामयाबी तक के सफर को बताया गया है। केपी सिंह और अपर्णा जैन ने लिखी किताब, अपने जन्मदिन के मौके पर केपी सिंह ने किताब का अनावरण किया, अपनी जिंदगी के संघर्ष के बारे में याद किया। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर वाराणसी में लगा भक्तों का तांता, श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में डुबकी लगाई। प्रयागराज में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, संगम में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। गुरु नानक देव जी का आज प्रकाश पर्व, भोपाल में सीएम मोहन यादव ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर अमृतसर स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, हरमिंदर साहब गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पहुंचे क्रिकेटर धवन कुमार कुलकर्णी, दर्शन कर बाबा महाकाल के आशीर्वाद लिया।